साल पहले आप में नवाब साहब की गाड़ी छूट गई थी, ये किस्सा तो आपने हजारों बार सुना होगा, लेकिन एक किस्सा और है जो आप में से कई लोगों ने नहीं सुना होगा। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह मीट के लवर थे, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई दांत गिरने लग गए, तो उन्होंने अपने खानसामा को बोला कि एक ऐसा जायका तैयार करें, एक ऐसी डिश तैयार करें कि मुंह में जाते ही खुल जाए, और वहां से ईजाद हुआ गलौटी कबाब। तो हम लोग आए हैं टुंडे कबाबी पे, और यहाँ के टुंडे कबाब पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। हम लोग आए हैं अमीनाबाद वाली ब्रांच पे, और इनकी एक ब्रांच और है जो पुरानी ब्रांच है, जो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, चौंक में है वो वाली। तो अंदर चलते हैं, इनका जायका उठाते हैं, ग्लौटी कबाब खाते हैं, और थोड़ा सा पहले आपको माहौल दिखाता हूँ क्या क्या बन रहा है, प्रिपरेशन कैसी है। तो चलिए अंदर। ये किस चीज़ का बनता है? ये मैदे की होता है। अच्छा, ये मैदे का बनता है, और ये फिशरमैन वो भी मैदे की तरफ बनता है। और दूध के अपने दूध पड़ते हैं, चीनी पड़ते हैं, दूध और चीनी डालते हैं। मटन बिरयानी? हाँ सर, इधर से आके ले ली। हाँ इसको गलौटी कबाब कहते हैं ना? जी जी जी, मटन गलौटी टुंडे, मटन गलौटी कबाब, और फेमस है टुंडे कबाब। जी गलौटी कबाब ये पूरे हिंदुस्तान के बाहर तक ये मशहूर है कबाब। बिल्कुल बिल्कुल, कोई तजाबियत नहीं, कोई गैस नहीं, कोई कुछ बन नहीं सकती इसे खाने से। हाँ बोलो। दो जी का एक दो। अच्छा, आपकी ये पैकिंग बड़ी जबरदस्त है जी। ये सबसे अच्छी चीज लगी मुझे कि आप लोग प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे कबाब खराब नहीं होते, चाहे दो दिन बाद खाइए, चाहे 3 दिन बाद खाइए, कबाब खराब नहीं होता। मोनिका गांधी आ चुकी हैं। मोनिका गांधी जी? अच्छा, यहाँ खाने के लिए कबाब। राजा मुराद आए, जितने ने हीरो है इधर जो लगे हैं फोटो, हाँ ये सारे हीरो आ चुके हैं यहाँ। ऋषि कपूर है, कपिल देव हो गए, शाहरुख खान है, सलमान खान है, अच्छा सलमान खान है, दिलीप कुमार जी हैं, विनोद खन्ना है, बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, जावेद अख्तर हैं, ये हुसैन साहब है, प्रियंका गांधी है, ये देखिए आमिर खान है, गोविंदा है, राजेश खन्ना है, आज हम भी आ गए। तो जनाब हमारे पास गलौटी कबाब आ चुके हैं, मच अवेटेड, और इतने सालों से सिर्फ सुना था इसके बारे में, आज इसका जायका लेंगे, टेस्ट करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये मटन गलौटी कबाब है। यहाँ पे बफलो मीट के भी गलौटी कबाब मिलते हैं, तो वेन एवर यू कम हेयर तो मेक श्योर यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक आप कौन से ऑर्डर कर रहे हैं। नाउ लेट्स गो टू द टेस्टिंग। तो पहले मैं आपको बता दूँ, जो ये बहुत नाजुक से हैं, वेरी सॉफ्ट, हाथ लगाते ही एकदम टूटने वाले हालत में हो गया है। ये देखिए, वाह, बहुत ही बहुत ही बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं। वाह यार, मक्खन है यार, बिल्कुल मक्खन की तरह घुल गया। खत्म। मुझे नहीं याद कि मैंने लाइफ में इतना सॉफ्ट कबाब कहाँ खाया, कभी खाया नहीं है। इससे सॉफ्ट शायद कभी बन भी नहीं पाएंगे। कहते हैं कि अगर आप लखनऊ आ रहे हो और अगर आपने टुंडे के कबाब नहीं खाए तो आपका आना ज़ाया है, तो इस चीज़ पे मैं मोहर लगा सकता हूँ। मेरा लखनऊ आया बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि यह जायका बहुत ही आला है, बहुत ही उमदा है। वाह, आपको जान के हैरानी होगी, 100 से भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डलते हैं इस कबाब में, 60 से भी ज़्यादा मसाले डलते हैं इस कबाब में। देखने में बड़ा सिंपल सा है, ऐसा लग रहा है जैसे सिंपल सी टिक्की है जिसको फ्राई किया हुआ है, बट अब आप खाएंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं। वाह भाई,
कहते हैं ना कि कभी कभी कोई जायका ऐसा होता है कि जब आपकी रूह खुश हो जाती है, ये बिल्कुल ऐसा ही जायका है। बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार, मुलायम, मुंह में घुलने वाला ग्लौटी कबाब, फाइव स्टार्स में, फाइव स्टार्स। और एक चीज़ और मिलती है यहाँ पे, मतलब है चीज़ें तो बहुत मिलती हैं, लोग ना यहाँ पे रोल भी बहुत पसंद करते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये मुगलई परांठा है और इसके अंदर भी ना इसी गलौटी कबाब की स्टफिंग रहती है। ये देखो बिल्कुल पेस्ट बन चुकी है ये। तो ये लोग काफ़ी यहाँ पे बढ़वा रहे थे तो मैंने सोचा इसका भी एक बार जायका ले लेते हैं। हमारे साथ मोहम्मद उस्मान जी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद उस्मान जी, आपके कबाब हमने खाए, बहुत बढ़िया लगे। शुक्रिया। क्या डालते हैं यार इसमें कबाब में, आप बताइए कि लोग दूर दूर से आते हैं। ये आपकी मोहब्बत है और इसमें सब अल्लाह ही का सब कुछ है। मज़ा देने वाले भी अल्लाह ही तबारक ताला है और आपके दिल में डालने वाले भी वही हैं। क्या बात है। और मैंने सुना है कि इसमें बहुत तरह के मसाले हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। खाने दो जगह के मशहूर हुआ करते थे, एक लखनऊ, दूसरे हैदराबाद। अच्छा। और यहाँ दोनों जगह पे नवाबों ने हुकूमतें की हैं, तो नवाब लोग खाने के शौकीन हुआ करते थे। तो जो खाने बनते थे उनके लिए, तो उसमें हकीमों के मशवरे से जो है मसाले डाले जाते थे ताकि जिस्म में ताकत भी रहे और जायका भी बरकरार रहे। और आप हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट देख ही सकते हैं, तो ये लखनऊ की भी और आपके खातेदारी की भी है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में। ये इन्होंने गर्मा गर्म पीस दिया डायरेक्ट वहाँ से, तवे से प्लेट में आ गया भाई। ओहो, तो ये गर्मा गर्म एक बार खाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है। भाई इतना स्मोकी फ्लेवर है ना, इतना सॉफ्ट, जैसे पहले बताया था। गर्मा गर्म का खाने का अलग ही मज़ा है। भाई एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कच्चे पपीते का इस्तेमाल करते हैं इसको टेंडराइज करने के लिए। कबाब हम खा चुके हैं और टुंडे कबाबी के बिल्कुल साथ में है वाहिद बिरयानी, और इनकी बिरयानी चखेंगे, लेकिन वो आप देखेंगे अगली एपिसोड में, क्योंकि जायके अभी और भी हैं, सफ़र तो अभी शुरू हुआ है। ओ भाई क्या है ये यार, बहुत ही उम्दा जायका। तो ये सच ही कहा गया है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, बोल दे भाई। ये कह के तो मैं ये खा के मैं कह ही सकता हूँ कि भाई मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो लखनऊ की और ये जायके की है।